पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया, जहां 285 मत प्राप्त कर मुकेश मित्तल ने जीत का परचम लहराया। इस चुनाव के लिए कुल 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जहां पवन अग्रवाल ने 162 मत, अशोक चौधरी ने 208 मत और मुकेश मित्तल ने सर्वाधिक 285 मत प्राप्त कर जीत दर्ज किया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में चुनाव की प्रक्रिया को चुनावी कमेटी की देखरेख में संपन्न करवाया गया। जीत के बाद मुकेश मित्तल के समर्थकों में गजब की खुशी दिखाई दी। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य उन्हें करना पड़ेगा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में भले ही प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाएंगे। इस चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 80% से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये एक अच्छा मैसेज दिया है और मेरे जो दोनों भाई हैं अशोक जी चौधरी और पवन अग्रवाल जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। ये मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम लोग चुनाव लड़े हैं, मगर मैं ऐसी परंपरा को स्थापित करूँगा कि हम सब मिलकर समाज में एक नई सोच, नई बोध, नया ज्ञान का संचार करते हुए समाज को एक स्टेप आगे लेकर जाने का काम करें। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? विजय जी खेमका और उनकी पूरी कमेटी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इतने निष्पक्ष तरीके से, इतने सुचारू ढंग से उन्होंने पूरा इस चुनाव के कार्यक्रम को संचालित किया है और एक निष्पक्ष चुनाव एक सामने लाया है, एक एग्जांपल सेट किया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आर ओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।